हेलो भाई, आपका भाई का नाम है अनूप खान। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रैंड विटारा का जेट्टा प्लस हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक सीवीटी जो गियर बॉक्स, यानी कि जो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन है, इसके टॉप ऑफ वे के दो ही वेरिएंट के अंदर मिलता है, जेट्टा प्लस और अल्फा प्लस के बारे में। तो जेट्टा प्लस के वेरिएंट आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसके सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर ऑफर की जाती हैं। प्राइसिंग को अभी तक रिवील नहीं किया गया। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके एक्सटीरियर के अंदर। ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एम्बिएंटिंग लाइटिंग आपको मिल जाएगी डैशबोर्ड पर भी, और आपके जो डोर्स हैं वहाँ पर भी आपको कुछ एम्बिएंटिंग लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। हेड्स अप डिस्प्ले HUD जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग, ये चीज़ें भी आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहीं बात की जाए डुअल टोन एक्सटीरियर सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेदर सीटें मिलेंगी, पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फोर व्हील ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी आपको इस वेरिएंट के अंदर जो ऑफर कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर के अंदर वाइपर वॉशर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। 360 डिग्री व्यू कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, डे नाइट IRV में आपको ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाता है। डोर स्पोर्ट एम्बिएंटिंग लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टच फिनिशिंग आपको डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाती है। ऑटो फोल्डिंग ORVM एंड आपको ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ मिल जाता है। डुअल एयरबैग्स के साथ में आपको साइड एयरबैग्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। ESP हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोपिक चाइल्ड सीट लॉक, ये भी जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको LED DRL मिल जाते हैं, और ORVM पर ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। डुअल टोन का इंटीरियर के अंदर आपको जो इंटीरियर वो आपको देखने को मिल जाता है। 4.2 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। फ्रंट एंड रियर आर्म रेस्ट आपको स्लाइडेबल एडजस्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक AC, रियर AC इवेंट, 60-40 सीट आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भाई कुछ इतने बड़े बड़े फीचर्स थे जो आपको इसके टॉप वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो आपका ही सोचना है कि आपको इसका जो कौन सा वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। मेरे हिसाब से मैं आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको इसका एक एक वेरिएंट की वीडियो देखनी, जैसे सिग्मा हो गया, डेल्टा हो गया, जेट्टा है, अल्फा है, सभी की वीडियोज़ मैंने अलग अलग आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। ये इसका टॉप वेरिएंट है जेट्टा प्लस जो हाइब्रिड के साथ में आता है, उसके कंप्लीट फीचर्स थे। इससे जो नीचे के वेरिएंट्स में ये फीचर्स आपको नहीं मिलते थे जो मैंने आपको इस वेरिएंट के अंदर बताए हैं। यानी कि इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, एम्बिएंटिंग लाइटिंग मिलेगी डैशबोर्ड पर, और हेड्स अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलते हैं, जो बाकी वेरिएंट के अंदर आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब मिलता हूँ आपको इसके टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस के वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।